नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरसीबी टीम की मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, क्या होने वाला है उनका पूरा प्लान, कौन से कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्हें आरसीबी टीम हर हाल में टारगेट कर सकती है और अपने स्क्वाड में शामिल करने की पूरी कोशिश करेगी, उनके पीछे ढेर सारे पैसे लगा सकती है। इसके बारे में ही डिटेल में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज लगातार मिलती रहेगी। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, IPL 2022 के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन 12 और 13 फेब को रखा गया है, जिसका आयोजन बेंगलुरु में होने वाला है। दोपहर के 12 बजे से इसकी टाइमिंग फिक्स कर दी गई है। 12 बजे से मेगा ऑक्शन शुरू हो जाएगा, जहां पर करीब 550 खिलाड़ियों की बोली लगने वाली है। अब इसमें से किस खिलाड़ी को टीमों में जगह मिलती है और कौन से खिलाड़ी अनसोल्ड जाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि कई बड़े बड़े खिलाड़ी जो है 2022 से हमें नई नई टीमों के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें डेविड वार्नर जैसे कुछ बड़े नाम शामिल हैं। अब दोस्तों, आरसीबी टीम मेगा ऑक्शन में कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है, कौन कौन से खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं, ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं जिसमें कुछ खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर आरसीबी टीम उन्हें ही अपने स्क्वाड में शामिल करने का पूरा प्रयास करेगी। इस लिस्ट में पहला नाम तो है वहाँ पर जेसन होल्डर का, जो कि वेस्ट इंडीज़ के धाकड़ ऑलराउंडर प्लेयर हैं। होल्डर ने पिछले बार भी जो हैदराबाद टीम के लिए खेलते हुए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी में भी उन्होंने अच्छे रंग दिखाए थे। इस वजह से उनका मौजूदा फॉर्म देखते हुए भी आरसीबी टीम उनके पीछे पड़ना चाहेगी और उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल करने का पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा दोस्तों, आरसीबी टीम अपने ही दो पुराने खिलाड़ियों के पीछे पड़ेगी, जिनका नाम है हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल। इन दोनों खिलाड़ियों को आरसीबी टीम ने रिलीज़ कर दिया है, रिटर्न नहीं किया था अब, लेकिन ऑक्शन में इनके पीछे पड़ सकती है और इन्हें वापस से अपने स्क्वाड में लेके आ सकती है। हर्षल पटेल पिछले साल लीडिंग विकेट टेकर भी रहे थे, वहीं चहल ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, उन्होंने टीम को कई मैचों में जीत भी दिलाई थी। तो ऐसे में दोस्तों, इन दोनों ही गेंदबाजों को आरसीबी टीम एक और बार अपने स्क्वाड में लेके आना चाहेगी। इसके बाद दोस्तों, वहां पर चौथा नाम होने वाला है युवा बेबी एबी डिविलियर्स, यानी कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप सभी की जुबान पर उसका नाम आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंडर 19 वर्ल्ड कप के हीरो डिवाल्ड ब्रेविस की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम के धाकड़ बल्लेबाज डिवाल्ड ब्रेविस की, जिनका नाम जो है सभी के जुबान पर छाया हुआ है, क्योंकि उनको जो है बेबी एबीडी के नाम की उपाधि दे दी गई है। वो बिल्कुल जो है डिविलियर्स की तरह खेलते हुए दिखाई देते हैं, शायद यही एक रीज़न है कि आरसीबी टीम उन्हें अपने स्क्वाड में लेके आ सकती है। आपको बता दें कि माइक हेसन ने इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया था जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे। अब देखना ये होगा कि आरसीबी टीम उन्हें अपने स्क्वाड में लेके आ पाती है या फिर नहीं, क्योंकि कई सारी टीमें होंगी जो उनके पीछे पड़ेंगी उनके बल्लेबाजी कौशल को देखते हुए। अगर वो टीम में आ जाते हैं, आरसीबी टीम में, तो फिर वहाँ पर टीम को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, उनकी हिटिंग एबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी है। तो यही कुछ खिलाड़ी होने वाले हैं मेरे हिसाब से, जिन्हें आरसीबी टीम तो हर हाल में अपने स्क्वाड में शामिल करने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि अब ये आरसीबी टीम में ही आते हैं या फिर किसी और टीम में चले जाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।